हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बघेल, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि वो किस तरीके के बिस्तर पे सोए हैं, उनका बेड किस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के पोस्चर को ठीक रखने के लिए हमारे बॉडी की मैकेनिक्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पे भी फिजिक्स वर्क कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और हमारी बॉडी भी हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वेट के डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करती है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं सोने की, तो सोने के लिए जिस बिस्तर का आप यूज़ करते हैं, उस बिस्तर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लेट जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि जिस तरीके से आप सोते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर रहेगा तो आपके वेट का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से होगा, और अगर बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस रहेगी तो आपकी बॉडी का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से होगा। और जब वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपकी बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट पे भी उस तरीके से प्रेशर जनरेट होता है, और अगर वो प्रेशर गलत तरीके से जनरेट हो रहा है तो आपकी बॉडी की मैकेनिक्स डिस्टर्ब होगी, और मैकेनिक्स डिस्टर्ब होने के कारण आपके बॉडी के पॉस्चर का अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब होगा, जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि आपको सीधे सोना चाहिए, उल्टे नहीं सोना चाहिए, और उसके साथ में आज का वीडियो इसी तरीके का है कि जिसमें आपको बैट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी आप नींद में होते हैं तो नींद में आपको अपनी बॉडी की पोजीशन का नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि सीधे सोए, और उनकी कंप्लेंट होती है कि नींद में उनका सोने का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप नींद में रहते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका जो सरफेस है सोने का, वो सरफेस आपकी कंफर्ट जोन के हिसाब से होना चाहिए, या फिर इस तरीके का हो कि आपकी मैकेनिक्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहे। आइए इसे हम इस तरीके से समझते हैं। अगर आपका बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो आपका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उतना ही प्रेशर जनरेट होगा जितना आपका बॉडी का वेट है। तो आप देखेंगे कि सिर पे, कमर पे और हिप पे अलग अलग तरीके से वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण आपके वर्टिबल कॉलम का अलाइनमेंट भी अलग अलग जगह पे चेंज हो रहा है, जो कि गलत है। सेकंड, अगर आप हार्ड सरफेस पे सोते हैं तो हार्ड सरफेस पे होगा ये कि आपके बॉडी वेट से सरफेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आप जब सोएंगे पिलो लगा करके तो आपके वर्टिबल कॉलम में कुछ चेंजेस आएंगे, जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि आपके बॉडी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आपकी मैकेनिक्स डिस्टर्ब होगी। और लंबे समय तक अगर आप इसी तरीके की सरफेस का कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपका बेड ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जो कि आपके बॉडी के वर्टिबल कॉलम के लिए और अलाइनमेंट के लिए सही रहता है। इसलिए जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस का या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस का यूज़ कर रहे थे सोने के लिए, वो अपनी आदत को चेंज कर लें। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।